It's a completely ridiculous idea to zone cycle rickshaw. तकनीक सुधारी. We have enough road space in Delhi. भूमिहीनता बढ़ गई है, जमीन नहीं है. We have to accept their existence. Zones is also a very old idea. 50 रुपए बचेंगे उसमें चाय पानी रोटी खाने का भी नहीं बन पाता. Rickshaws don't kill people. Seasonal migrants हैं. You have to zone the culprit, not the victim. रिक्शा चलाना गरीबी का प्रतीक नहीं है. They'll become nice and jazzy, and then we shall import them back. दूसरे मुल्कों में रिक्शा बढ़ते जा रहा है. They are eco-friendly. Tomorrow his रिक्शा will be seized and banned and broken. Nano entrepreneurs. They are going to be the mobility of the future. They are not diminishing actually. बात को बचाने से खत्म होने वाला है. क्या सच में रिक्शा खत्म हो जाएंगे? एक तरफ मेट्रो की रफ्तार और दूसरी तरफ रिक्शे की सुस्ती. स्मार्ट होते शहर और ऊंचे फ्लाईओवरों में इस पुरानी आधुनिकता की जगह सिमटती जा रही है. लेकिन विडंबना यह है कि मेट्रो से निकलकर हम अब भी इस पुरानी तकनीक वाले तीन पहियों को ही ढूंढते हैं. गाड़ियों की भीड़ में सड़कों से गायब होती एक चीज पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता. इसके लिए ये शहर लाल पीले और हरे रंग में बटा है. कहीं इनके चलने की जगह नहीं है तो कहीं इनकी गति पर भी रोक लगी हुई है. It's a completely ridiculous idea to zone cycle rickshaws in because rickshaws don't kill people. Cars will kill the rickshawalas. Actually, either no vehicular zones, so places where cars cannot go, or low speed zones. You have to zone the culprit, not the victim. There is actually space for all of them. And there is a mobility demand which is so high in the city. We have enough road space in Delhi. Arterial roads are wide enough, which means they have enough space to provide for bus lanes, for car lanes, and they can give an separate non-motorized transport lanes, which can include rickshaw. दूर देश से आए इन लोगों का सफर पूरे दिन बिना रुके इन अंतहीन सड़कों पर मंजिल की तलाश में निकल जाता है. कमाई तो वही 200-250 रुपया कमाते हैं, उसी से बाल बच्चों को देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई है. खाना बच्चों को खिलाएंगे या कपड़े खरीदेंगे? महंगाई बहुत हो गया ना, महंगाई जो है सो बढ़ा दिया है, सब चीज का बढ़ गया. हम लोग गरीब के लिए क्या बढ़ाए? 35 साल हो गए रिक्शा चलाते, बुढ़ापा आ गया, छोटे छोटे बच्चे, और 100 रुपये कमाएंगे 50 रुपये किराए के ले लेगा एक रिक्शे वाला. शायद इसीलिए किसी ने लिखा है, रिक्शा जीवन तेरी यही कहानी, हाथों में हैंडल पीछे सवारी. और सवारी का इंतजार करती आंखें रिक्शे की पीठ थपथपाकर उन्हें बुलाती रहती हैं. रफ्तार और कमाई के मामले में ई रिक्शे ने साइकिल रिक्शा को पीछे छोड़ दिया है. मैडम ये बैटरी वाले रिक्शों के भेजे 10% कमाई रह गई इन रिक्शों की. ये आधा रोड पूरा रोड घेर लेते हैं, मतलब कोई गाड़ी अगर इधर से आए एलपी गाड़ी तो कम से कम 10-15 को तो लपेट देगी आराम से. बैटरी रिक्शा चल गया जिससे हम लोग को तकलीफ हो रहा है. पुलिस कोई परेशानी नहीं, खाली बैटरी परेशानी है. कुछ लोग अब भी साइकिल रिक्शे पर चलना ज्यादा पसंद करते हैं. वैसे तो ई रिक्शा अच्छा लगता है, लेकिन उसकी वनस्पति ज्यादा बेटर है. पूछो क्यों, इसमें 5 जनों को काम मिलता है. गांव से आदमी आ जाते हैं, अपने बीवी बच्चों का गुजारा कर लेते हैं. ई रिक्शा लेना सबके बस का नहीं है. आराम से जाते हैं, जल्दबाजी नहीं, जीवन में भगदड़ नहीं होती है. इसमें अपने बैठ के और निश्चिंतता, उसमें कई लोग बैठते हैं तो भीड़ बढ़ती है. देर इज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ डिस्पोजिंग बैटरीज विच आर हाईली टॉक्सिक. वहीं इको फ्रेंडली साइकिल रिक्शा जहरीली हवा वाली दिल्ली में मुश्किल से सांस ले पा रहा है. तेज दौड़ते शहर में धीरे धीरे रेंगता रिक्शा हमें रफ्तार का दुश्मन लगता है. शायद इसीलिए इसका जिक्र दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में नहीं है. The Delhi master plan doesn't give too much emphasis on cycle rickshaws. नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनी थी, उसमें एक हिस्सा है जिसमें कहा गया है कि प्रदूषण के बढ़ते हुए नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए रिक्शा मदद कर सकती है. एक्सप्लिसिटली नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी
did not discuss rickshaw issue at all. We have fantastic policies in our country, but there is no proper action plan. भले ही उनकी बात कम होती हो, लेकिन फिर भी सालों से ये लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचा रहे हैं. In South Delhi, which has a very high car ownership, you go and interview many housewives in the residential areas, and they'll tell you that if rickshaw was available, they would find it much easier. ऐसे तो रिक्शा होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि लाइब्रेरी जाना होता है या फिर सेंटर जाना होता है, तो उसके लिए टाइम से बस भी नहीं मिलती है. They are easily available on our doorstep and they charge even reasonably. Sometimes they charge high. इस भीड़ में एक नाम है आर के वाजपेयी. नाम से ये आपको वकील या नेता लग सकते हैं. वाजपेयी बीए पास हैं और एलएलबी भी करना चाहते थे. ये कैमरे के सामने नहीं आना चाहते. वाजपेयी की पत्नी और घर वालों को ये अंदाजा भी नहीं है कि वो 14 साल से दिल्ली में रिक्शा चला रहे हैं. रिक्शा शाही सवारी से शर्म की कमाई बन गया है. The eco cab is a cycle rickshaw which is redesigned into a very ergonomically comfortable cycle rickshaw. 100 साल के बाद शायद हम लोग की जिंदगियों के बाद जो है रिक्शे का नया मॉडल, रिक्शे की नई तकनीक आए, लेकिन रिक्शा की तकनीक बदल सकती है, लिखना ऑब्जेक्टिव नहीं बदलेगा. किसी का रोजगार, किसी की जरूरत रिक्शा, बरसों से आम आदमी का साथी रहा है. नहीं नहीं, भविष्य में चलेंगे, ये बंद नहीं होंगे. मतलब और चल बंद हो जाए या ना हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन ये जरूर चलेंगे. ये मतलब इंसान की मेहनत से चलते हैं, मतलब ताकत से चलते हैं. गाड़ियों के शोर में घंटी की आवाज कहीं इतिहास ना बन जाए और गुम ना हो जाए इनके चेहरे से ये हंसी, बस रह जाए इसका नाम रिक्शा. नाम तो सुना ही होगा. मेरी रिक्शा सबसे निराली हो, ना गोरी है ना ये काली. ओ हो, घर तक पहुंचा देने वाली. मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली.